मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारी बाबरी कौन है, मैं मोहन सर वही ना बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। लोग यही चाहते हैं कि इस फैसले को जो है बदला जाए, इस रेलवे ट्रैक को जो है यहां से हटाकर किसी और जगह लिया जाए, ताकि इस ग्राउंड को जो है बच्चों के लिए रखा जाए, जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए रखा जाए, वो यहां पे खेल सके। ये तस्वीरें आपके बिल्कुल सामने हैं, आप ये जो निशान देख रहे हैं इंडोर स्टेडियम भी इसके इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक जो है डबल ट्रैक बन जाता है, आपको पता है कितनी स्पेस वो लेता है, और पूरा ग्राउंड जो है इससे ख़त्म हो जाएगा। ग्राउंड बारामूला और एक जो है वो जमालपुरा में है, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमारे पास यही एक था जहाँ से बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं, बड़े खिलाड़ी यहाँ से जो है नेशनल लेवल पर गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी गए हैं। तो ये कैसा फैसला है, कौन है लोग जो ऐसा प्लान जिनने बनाया है, जिनने एक इतने बड़े खूबसूरत ग्राउंड को एक इतना घटिया प्लान में कहूंगा कि इसके साथ आप इंडोर स्टेडियम देख लीजिए। हाल ही में ये स्टेडियम जो है 2-3 साल से ऑपरेटिव है, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम, उसको क्या करेंगे, उसको भी उठाना पड़ेगा, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा। तो ये हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के आवाम के बारे में, यहाँ के नौजवानों के बारे में और यहाँ के बच्चों के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं, और जिसने भी ये प्लान बनाया है बहुत ही सही प्लान नहीं है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल इल प्लान, और ये फैसला गलत है, आवाम के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, यहाँ के बच्चों के खिलाफ है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल में जो है कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ से हम कहते हैं कि उनको ड्रग से दूर करना है तो कहाँ किस मैदान में लाएं, कहाँ खेल का मैदान। एक टाइम नया तो कोई बनाया नहीं इन्होंने, जब नया नहीं बनाया, जो पुराना है तो उस असासे को क्यों बेच रहे हो, और क्या बेचने के लायक यहाँ पे रह गया है, आपने तो सब बेच दिया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ जिला इंतजाम से, गुजारिश करता हूँ गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर से, गुजारिश करता हूँ खुदारा नजरसानी कीजिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल में जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमको कोसेंगे, वो हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि जब यह फैसला लिया जा रहा था, जब इस असासे को बेचा जा रहा था, जब इस ग्राउंड की तबाही हो रही थी, जब उनके दरवाजे जो है सही रास्ता जो है हमने गलत रास्ता उनको कहा कि उसको इख्तियार मत करो, सही रास्ते को बंद किया गया, तो हम उस वक्त क्या कर रहे थे। तो हमारे पास जवाब नहीं होगा, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आइए आइए इस मुहिम में जुड़िए, ये सिर्फ ग्राउंड नहीं है, ये हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, हम उनकी परेशानियों का अगर अजाला नहीं तो इसमें इजाफा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे गुजारिश है बारामूला में हर शोबे से जो ताल्लुक रखते हैं, सियासत से हैं, सहाफत से हैं, खेल से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, आइए जो इस आवाम का हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल का, हम बच्चों का जो दर्द रखते हैं, आइए इस मुहिम से जुड़िए, ताकि इस फैसले को, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है तो हमारी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए, ये इस फैसले से इस प्लान में वो आगे ना बढ़े, ताकि हम आने वाले जो वक्त में हमारे पास कुछ बचे और हमारे बच्चे जो हैं वो हमें दुआएँ दें, ना कि बदुआएँ दें। शुक्रिया। इस सवाल से आपकी क्या तसरात है? देखिए, वक्त की सरकार को चाहिए, जो ये डिग्री कॉलेज बारामूला है ये सदियों पुराना है, अगर इनको रेलवे लाइन निकालनी है उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं 200-300 फुट ज़्यादा इनको पीछे जाना है, उससे डिग्री कॉलेज भी रहेगा और जो ये ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए और कहीं जगह नहीं है बारामूला में, आप देखो किसी जगह नहीं, या इलेक्शन होते हैं, अगर नॉर्थ कश्मीर का पूरा एमपी इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन, सब लोग सब गाड़ियां हर एक चीज़ यहीं होता है, बारामूला में किसी जगह नहीं है खेलने की जगह, जो ये पुराना एक जगह कदीम ही हम बोलेंगे तो ये नहीं मिलेगा। वक्त की सरकार को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे, कम से कम 300 फुट पीछे जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है, तो अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये भी बचेगा, ये भी महफूज रहेगा। तो हमारी ये डिमांड है एलजी सरकार से कि इसमें नज़दीकी से देखे कि ये रेलवे लाइन उधर से जानी चाहिए, ग्राउंड से नहीं।